शेयर और कमेंट करना मत भूलना, बाथरूम जाने नहीं भूलते ना, ये भी मत भूलना। हाय बच्चों, मैं हूँ मिथुन नोहारा और मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मेरा शिनचैन एक 5 साल का बेटा है, वो कहाँ घूमता है? तुम हमेशा बदतमीजी क्यों करते हो शिनचैन? अच्छे से बिहेव करो। हाय बोलो, हाय हाय बोलो। हेलो दोस्तों, मैं शिनचैन हूँ। शिनचैन तुम डांस क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हें हिमावारी का ख्याल रखने के लिए कहा था। कहाँ है मेरी हिमावारी? रुके माँ, मैं अभी लेके आता हूँ हिमावारी का, जल्दी लेके आओ। हो गाइस, आप सबने मुझे शिनचैन बनने पे मजबूर कर दिया था, तो फाइनली आज मैं 24 घंटे के लिए शिनचैन और ये मच्छी बनेगी। लेकिन आप मेरी आईब्रोज का मजाक मत उड़ाना, मुझे बहुत शर्म आ रही है। अरे नहीं शिनचैन बेटा, तुम बहुत सुंदर लग रहे हो। अब मैं इतना भी कुछ खास नहीं मॉम। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काला कौवा काटेगा। सुबह सुबह शिनचैन करेगा मॉम को परेशान। अरे मॉम, आज तो आप बहुत सुंदर लग रही है। अरे शिनचैन, तुम्हें इतनी तारीफ करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है मेरी। मैं तो मजाक कर रहा था। मॉम ने तो बहुत जोर से मार दिया। क्या आपको भी कभी ऐसी चोट लगी है दोस्तों? क्या आपकी मॉम ने आपके सर पे लड्डू खिला दिया है? शिनचैन, तुम्हारे चेहरे पे मुझे अफसोस का कोई रंग नजर नहीं आ रहा शिनचैन। अफसोस का रंग? कौन सा रंग? लाल, पीला या नीला? ये लड़कियों का रंग पिंक। अफसोस का रंग अभी समझाती हूँ, अभी पता चल जाएगा तुम्हें। मैं तो बहुत बोर हो रहा हूँ, मैं क्या करूँ? शीरो, क्या तुम मेरे साथ खेलना पसंद करोगे? भोजन कजामा और नैनी कहाँ रह गए? पता नहीं शिनचैन। भोजन, तुम तो मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हो, इसलिए मैं तुम्हारी चॉको चिप्स ले लेता हूँ। बुरी बात है शिनचैन। अरे ये जैस्मिन की खुशबू कहाँ से आ रही है? शिनचैन, वो जैस्मिन की खुशबू नहीं है। मुझे तो जैस्मिन ही लग रहे हैं, वो कहीं इधर से आ रही है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तुम्हारी शिकायत तुम्हारी मॉम से करूंगा। तो करना। वैसे बोचेन, तुम्हारा नाक कैसा क्यों है? बताओ। तुम्हारा आईब्रो ऐसा क्यों है? मेरे आईब्रो के पीछे तो कितनी दीदी पड़ी है, तुमको नहीं पता। बहुत सारी दीदियों ने मुझे अपना नंबर भी दिया है, मैं उनसे बात भी करता हूँ। तुमको जो लड़कियाँ पसंद आती है तुम उन्हें दीदी क्यों कहते हो? क्योंकि शिनचैन कहता है। आज हम खाएंगे ताजा ताजा तरबूज। तरबूज ही तरबूज खाएंगे और हेल्दी हो जाएंगे। दादाजी के भेजे तरबूज से और मम्मी के लाए तरबूज से। बहुत टेस्टी है। शीरो, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं दूंगा। आज मॉम करेंगी शॉपिंग। शिनचैन, मैं सुपरमार्केट जा रही हूँ बेटा। पक्का सुपरमार्केट में सेल लगी होगी, इसीलिए मॉम शॉपिंग करने जा रही है। तुम घर का और हिमावारी का ध्यान रखना और शरारत बिल्कुल मत करना। मॉम, मेरे लिए चॉको चिप्स की पैकेट और पुडिंग लेते आना। बुरी। A few minutes later. लो हिमावारी दूध पी लो। कोई बात नहीं, मैं ही पी लेता हूँ। ये तो बहुत टेस्टी है। हिमावारी, तुम क्या कर रही हो? हिमावारी। लो हिमावारी, मैं तुम्हें अपना खिलौना देता हूँ। अच्छा ये लो। 12 seconds later. Few minutes later. मैं घर आ गई बच्चों। शिनचैन! इस बार तो मेरी कोई गलती भी नहीं थी, हिमावारी मुझे तुम्हारी वजह से मार पड़ गई। आज मैंने की मॉम के साथ मस्ती। जीने के है 4 दिन, काश होते 5 दिन। जीने के है 4 दिन, काश होते 5 दिन। जिंदगी है बहुत अनमोल। बोले यही। मॉम अब क्या हो गया? मॉम आज आप कितनी बूढ़ी लग रही है। के
कैसा लग रहा है मेरा आईब्रो आपको? दोस्तों बताओ मेरी आईब्रो को आप कितने मार्क्स देना चाहेंगे? अगर आपके रियल लाइफ में ऐसे आईब्रो हो जाएंगे तो क्या करोगे? ये मेरी मॉम तो ये मुझे गोद उठाएगी जैसे शिनचैन की मॉम उठाते गिरा ना, मैं वो मारूंगा। उसकी मॉम उठाती नहीं, उठा के पटक देती। दोस्तों जैसा कि आपको पता है अब मैं बहुत बड़ा हो चुका हूँ, यानी कि मैं 6 साल का हो चुका हूँ, तो अब मैं एक्शन कामे से ना खेल के रील बनाऊंगा, तो चलो रील्स बनाते हैं। अब मैं इतना भी कुछ खास नहीं, शिनचैन तो इतना नहीं मटकता, मैं क्यों इतना मटक रहा हूँ? क्योंकि बहुत मुश्किल है शिनचैन जैसा बोलना। एक्शन ये एक्शन काम मैंने पिकाचू है। आज मैं बनाऊंगा रील्स तेरी प्यारी प्यारी दो अखियां, तेरी पावी मुझे सारी रतियां, मैं इतना भी कुछ खास नहीं। मेरे जैसा हैंडसम लड़का कभी देखा है? तुम हैंडसम नहीं है, जोकर लग रहे हो, समझे? अरे बुद्धू का दामा, मैंने ऐसे कपड़े जानवर को पकड़ने के लिए पहने हैं, समझे? तो क्या अब मैं तुम्हें पकड़ लूं कजामा? क्या मैं तुम्हें एक जानवर? अरे हिमावरी तुम किचन में क्या कर रही हो? तुम खाना बना रही हो? मॉम आपको शर्म नहीं आता? छोटी सी हिमावरी सब खाना बनवाती है। ओ, इतनी बड़ी तो हम लोग से बड़ी हिमावरी है। अरे यार मतलब हिमावरी मेरे बराबर है और मॉम इतनी नाटी है ना, हमारी क्या होता है, सबसे बड़ा शिनचैन है। आपको शर्म नहीं आता? आपको और लंबा होना चाहिए। क्या है ये, मम्मी ने खुद से ये हिमावरी मॉम के लिए चाय बना रहे हैं। खेत को परेशान करती हो, उसको तुम कुछ नहीं बोल सकती हो। माँ मम्मी मम्मी ने चुटकी और टुनटुन मौसी और हिमावरी के कैरेक्टर मिक्स कर दिया। चाय को चाय देने हिमावरी पियेंगे, हिमावरी की मम्मी को, हिमावरी नाक गिर गई, वो अपने नाक उठा रहा है। नाक लगा लो, बेचैन बेचैन बोचैन बेचैन बोचैन काफी बेचैन हो गया है अपने इस नाक से। दोस्तों एक्चुअली हमारी हिमावरी का एक पति भी है, तो हिमावरी को अपने पति को और फैक्ट गाइस, जो हिमावरी के पति हैं वो हमारे पापा हैं। क्यों रे चाय आपको नहीं पीना? मम्मी आपका दिमाग खराब है, मम्मी ने चाय गिरा दिया। गंदगी में चाल रही हो मम्मी आप। सॉरी बच्चों, मैं थोड़ी पागल मम्मी हूँ। भोजन मैं तुम्हारी नाक को काट के सर्पनेखा बना दूंगा तुम्हें। भोजन मैं तुम्हारी नाक कभी उठाता हूँ। आपको ये वीडियो पसंद? अरे रहने दो, पता चला ऐसा तो 2-3 साल बीत जाएंगे। तो गाइस ऐसे बोलते बोलते मेरे गले का पर्दा फट चुका है। कान का पर्दा होता है, गला का पर्दा कौन सा होता है? चैलेंज कंप्लीट होता है गाइस, तो मैं अपनी नॉर्मल वॉइस में बोलती हूँ। सो थैंक यू सो मच गाइस वाचिंग दिस वीडियो। आया कितना अजीब लग रहा तुम्हारी ऐसी आवाज सुन के। अरे मेरी आवाज ऐसे, मैं तो ऐसे बोलती थी। बाय गाइस।